Then we recite the mantras, we do the homons, we do the Guru Archana in the Guru Margs. There comes a time when physical manifestation of our mantra japa, our tapa happens. So I would like to recite from Vijnana Bhairava Tantra. भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो किया, फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भर दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। ड्यूरिंग द रिसाइटेशन ऑफ द भुवनेश्वरी आई फेल्ट लाइक देर इज सम लाइट बल्ब हियर, आई फेल्ट ए लाइट around here, and there came a time when I was able to feel the light above me. Perceptions become very much clear. I could hear the ringing sound of the bell. People say that when you fall in love, you hear the ringing sound of the bell, but this was the result of the Bhuvaneshwari. But that had to be controlled, and I got it controlled. After the sadhana was over, this stopped happening. Let us read. यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से है। किसी शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम अवधान को नहीं उपलब्ध हो सकते। यह ग्रंथि अवधान को अपने में समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाएगी, वे स्थिर हो जाएगी, वे वहां से नहीं हिल सकेगी। यदि तुम शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर अवधान दो तो वहां कठिनाई होगी। तीसरी आंख अवधान को पकड़ लेती है, अवधान को खींच लेती है। अवधान के लिए यह चुंबक का काम करती है, इसलिए दुनिया भर की सभी विधियों में उसका समावेश किया गया है। अवधान को प्रशिक्षित करने में यह सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम ही चेष्टा नहीं करते, यह ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। यह चुंबकी है, तुम्हारे अवधान को यह बलपूर्वक खींच लेती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरे आँख का भोजन है। यह भूखी है, जन्म जन्मों से भूखी रही है। जब तुम इसे अवधान देते हो, यह जीवित हो उठती है, इसे भोजन मिल गया है। और जब तुम जान लोगे कि अवधान उसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ यही बिंदु को जानना है। When I first took the Guru Diksha and recited the Guru Mantra, here my eyes become so much hot. I felt like a temperature. I felt like it is here, this third eye moving out. So I had the sensory perceptions, but it is not like that. You are third eye opens and you see other dimensions and all those things. No, it was not like that way. इसलिए आंख बंद कर लो और अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो और उस बिंदु को अनुभव करो। तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाएगी, और जब इन्हें हिलाना कठिन हो जाए तब जानो कि सही बिंदु मिल गया। विज्ञान भैरव तंत्र डस गिव मैनी मेथड्स, 108 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन। आई हैव ट्राइड फ्यू मेथड्स एंड दिस वॉज द वेरी नेचुरल वन। ड्यूरिंग द रिसाइटेशंस ऑफ द मंत्रा इट हैपन्ड, आई हैड टेकन नो एफर्ट्स। वेन अवर गुरु गेव द Diksha, they put the thumb across the third eye, and
I was able to feel the heat, what we say, energy. It was not a temperature, but energy. I was able to feel it when my guru gave to me. Many people are not able to. Don't worry. Over the time, when you recite enough guru mantra, you will become yourself. What word I should use? Heat, warm, or maybe Jagrut is the appropriate word. So you become light body, light in the sense this photon, not the weight. You become the energy yourself, and it is a white one. So ultimately, when you recite the Guru Mantra, you become what Guru has become. That is the final destiny.